सबसे पहले एक जरूरी संदेश स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, प्यार से पढ़ लीजिए। नीचे दिए गए चैनल पीवीआर स्टडी 3.0 पर आपकी सभी बोर्ड परीक्षा की क्लासें चलेंगी आने वाले 25 जून से। आज ही जाके सब्सक्राइब करें क्योंकि यहां से ये क्लासें वहां पर ट्रांसफर हो रही। नमस्कार साथियों, पीवीआर स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको पता है कि हाई स्कूल की मैथमेटिक्स आप इस समय पढ़ रहे हैं, जिसमें आपका प्रश्नावली चल रहा है 13.2 और 4 क्वेश्चन तक आपने पढ़ लिया है। अगर किसी को कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप उसे कमेंट करके पूछिएगा, बताया जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन आज मैं बताऊंगा, स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, प्यार से देखिए और समझिए और सुनिए। कह रहा कि एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, शंकु उल्टा है, अभी बना के दिखाऊंगा, जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपर सिरे यानी कि जो कि खुला हुआ है उसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। ये बर्तन ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, पूरा डम है, लबालब है। आगे क्या कहता है, जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां डाली जाती हैं, जिनमें से प्रत्येक गोली का जो आयतन है त्रिज्या है वो 0.5 सेंटीमीटर मतलब आधी सेंटीमीटर है। इसमें से भरे हुए पानी का एक चौथाई भाग बाहर निकल जाता है जब इन गोलियों को भरते हैं। भाई सिंपल सी बात है, मान लो कोई एक बर्तन है उसमें पूरा पानी भरा है, अगर मैंने उसमें कुछ डाला तो पानी बह जाएगा बाहर ना। करके देख लेना, गिलास में पूरा पानी भर लो, भरने के बाद उसमें आप कोई कलम डालो, कुछ भी डालो, पानी छलक जाएगा बाहर। ऐसे कुछ होता है। तो कह रहा बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत आसान तो नहीं है लेकिन समझने लायक है। क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आपको, पहले इसका फिगर देख लो, फिर आपको मैं क्वेश्चन पे चलता हूँ लेके। फिगर देखो, शंकु कैसे है बाबू, ये उल्टा बना है। इधर साइड में बना लो एक शंकु जो कि उल्टे आकार का रहेगा। ऐसे ना भैया, क्यों सही जा रहा है ना, ये उल्टा क्या हो गया, शंकु हो गया। चलो इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर बोल रहा था, बना देता हूँ 8, काहे को दिक्कत, लो 8 बना लो इसकी, 8 सेंटीमीटर ये ऊंचाई है। और जो त्रिज्या है आधार की वो कितना है, 5 सेंटीमीटर है। क्यों, क्वेश्चन में ही तो कहा था ना आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, दिख तो रहा है ना आपको, ये देख लो चचा, देख लो सामने दिख रहा है, यानी ये रेडियस जो है कितना है भैया, 5 सेंटीमीटर है। बात पक्की। अब क्या कहता है, कह रहा है इसमें कुछ कांच की गोलियां डाली जा रही तो कुछ पानी बाहर आ जा रहा है और वो पानी कुल पानी का 1/4 भाग के बराबर है, तो बताओ कितनी गोलियां डाला गया था कांच की। देखो इसको करने का सिंपल सा तरीका है, मैं बता देता हूँ, पहले आप सुन लीजिए। सबसे पहले पूरे बर्तन का आयतन निकाल लो, पहले इसका पूरा का क्या करो आप, वॉल्यूम फाइंड करो। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फिर जितना आ जाएगा उसका 1/4 निकाल लेना, 1/4 भाग। जब आपको 1/4 भाग पता चल जाएगा तो फिर उसी के सहारे हम गोलियों की संख्या निकाल लेंगे, क्योंकि हमें गोलियों का जो त्रिज्या है वो दिया गया है, ठीक है, रेडियस दिया गया है। तो चलिए आप लिखिए दिया है, देखो बेटा इसमें आर दिया है आपको, रेडियस दिया है जो कि आपको दिख रहा है, एच दिया मीन्स हाइट दिया है, लिख लो आर इक्वल 5 सेंटीमीटर, एच इक्वल 8 सेंटीमीटर, और क्या दिया है बोलो, कुछ नहीं दिया है। लिखो वैल्यूम ऑफ कौन, हिंदी वाले लिख लें, शंकु का आयतन बराबर लिख लोगे ना बट्टवा बाबू, लिख लोगे ना भैया, लिखो। तो क्या होगा, शंकु का आयतन का सूत्र आप जानते हो, 1/3 πr² h, लिखो 1/3 πr² h। सारे मान आप लाके इसमें ढकेल दीजिए, आपका आंसर आपके सामने 1/3 × π 22/7, r का मान 5 चूंकि दिया है। आगे दिख तो रहा है ना, थोड़ा सुंदर में लिख लो, × 8 h का मान। ये जो कट पिट जाए काट पिट लीजिए, नहीं तो इनका गुणा कर लीजिए, कुछ कटेगा क्या, 3 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, कुछ नहीं कटेगा, सबको गुणा कर लो, नीचे 21 हो जाएगा, ऊपर गुणा करो 5 × 25 25 × 8 = 200 का 22 में गुणा करोगे बाबू कितना होगा, भाई 200 का जब 22 में गुणा करोगे, यार भैया हो बाबू हो, 200 का 22 में 22 × 44 और 00 यही होगा ना,
तो फाइनल में 44,00 नीचे 21, कटेगा क्या ये? कहो कटेगा कि नहीं? दो से कटेगा? नहीं कटेगा, किसी भी नहीं कटेगा। ये आएगा सेंटीमीटर क्यूब, ये हो गया टोटल, इसका आयतन हो गया। क्यों सेंटीमीटर क्यूब? इसलिए क्योंकि हम वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं। अगर हम एरिया फाइंड करते तो सेंटीमीटर स्क्वायर आता। बात पक्की? ये हो गया टोटल बर्तन का आयतन। अभी आंसर नहीं आया। अब आप इसका 1/4 निकालोगे। इसका 1/4 जब आपको मिल जाएगा तब फिर हम आपको नंबर ऑफ वो गोलियां बताएंगे। लिखो नीचे, लिखना अब इसको, लिखो आयतन का 1/4 वॉल्यूम ऑफ, हिंदी में लिख लो आयतन का 1/4 या फिर 1/4 ऑफ वॉल्यूम। लिखो भाई, लिखो, दोनों बता रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों में बता रहा हूँ। तो जितना आया है उसका 1/4 कर लो बाबू, इसका 1/4 कर लो, 4 से कट जाएगा, 1100 आएगा, 1100/7 कितना आएगा? 1100/7। देखो इसमें कुछ होगा क्या? लेकिन 1100/7 कैसे आया भाई? कटा तो ये है, तो इससे क्या मतलब है? हाँ 1100/21 आएगा ना, ये सेंटीमीटर क्यूब। इसमें आप कोई उपाय नहीं है, इसका कुछ नहीं हो सकता है। मतलब हमें 1/4 भाग मिल गया, टोटल आयतन मिल गया। गोलियों की संख्या कैसे निकालोगे? देखो भाई सीधी सी बात है, वॉल्यूम ऑफ वन लीड शॉट जो है वो एक छोटी गोले के समान है। भाई एक कंचा ले लो, गोली ले लो, एक गोले के समान होता है ना गोला, स्फीयर। तो आप क्या करोगे पता है? पहले तो आप एक गोली का आयतन निकालो, जैसे गोले का आयतन निकालते हो ना वैसे एक गोली का आयतन निकालोगे। इसको इतना लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं बताता हूँ आगे कैसे करना है। जल्दी करो, इतना लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए फट से, जल्दी करिए। हो गया, चलो अब हम आगे बताते हैं क्या करना है। एक गोली का आयतन निकालेंगे कैसे, लिखो इसको इंग्लिश में भी आप लिख सकते हो। इंग्लिश में लिख लो नंबर ऑफ वन लीड शॉट, LEED लीड SHOT शॉट, ओके। या हिंदी में लिख लो एक छोटी गोली का आयतन। देखो एक गोली होगी तो एक गोली क्या होगी? छोटी सी होगी, गोले के आकार की होगी ना, तो गोला वाला सूत्र इसमें लगेगा। और इसमें इसकी रेडियस भी दिया था, एक गोली का कितना दिया था भाई? इसका मान रख दो, एक गोली का आयतन दिया था बाबू 0.5 सेंटीमीटर। इसको हम लिख सकता हूँ 5/10, बोलो लिख सकता हूँ कि नहीं? तो आर क्यूब है, तो इसका मतलब ये 5/10 तीन बार हम लिखेंगे। क्यूब का मतलब तीन बार है ना। इनको काट दीजिए आप, कितने से कटेगा? 5 × 5, 5 × 10, 5 × 5, 5 × 10, 5 × 5, 5 × 10, 2 × 4 हाँ भाई, 2 × 4 चार, ये चार काट दिया, हो गया बराबर। अब ये दो बच रहा है, इससे इसको काट दो, 11 आ जाएगा। तो कितना आया? नीचे तीन बच रहा है ना, 11/3 ना, तो लिखो 11/3 cm³। ये क्या हो गया? एक गोली का आयतन हो गया। देखो यार तीन आया क्या? 21 आया भाई, 3 × 7 = 21 ना, सॉरी ये एक गोली का आयतन हो गया। अब देखो बाबू आपको टोटल आयतन मालूम है ना, टोटल कितना आया था? टोटल तो शायद 4400/21 आया था ना, लेकिन हमें टोटल से कोई मतलब नहीं है। कह रहा था कि ये पूरा बर्तन भरा था, इसमें कुछ गोलियां डाला तो पानी बाहर छलक के निकल गया, और जो पानी निकला 1/4 के बराबर निकला। तो ये बताओ इसमें कितनी गोलियां डाली गई? जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, प्रैक्टिकल करके देख लो। देखिए मेरे हाथ में कुछ चने हैं, इनको हम मान लेते हैं कि वो छोटी गोलियां हैं, ठीक है? अब समझना, ये वो बर्तन है जिसे शंकु अभी ये बोल रहे थे ना, इसमें क्या करेंगे? इन गोलियों को डालेंगे। अब देखना, जब इसमें इनको डालेंगे तो क्या होगा? कुछ पानी निकल के बाहर आएगा, क्योंकि ये पानी से पूरा भरा हुआ है, ये पूरा भरा हुआ है, ध्यान देना। तो ऐसे ही कुछ कंडीशन है, मैं इसको इसमें डाल रहा हूँ, अभी पानी नहीं गिर रहा है, अभी आप देखोगे पानी गिरेगा। देखो पानी गिरता है कि नहीं? गिरा, किसी को दिखा? क्योंकि ये पानी ऊपर लपालप दिखने लगा ना, चना बहुत छोटा था इसलिए बहुत कम पानी निकला है ना।
तो इस तरह से साथियों जब गोलियों को मैंने डाला तो क्या हुआ, पानी बाहर निकला, और जितना पानी निकला वो क्या कह रहा था, वो पानी 1/4 भाग था टोटल जितना था। तो कह रहा कितनी गोलियां डाली गई, मतलब इसमें मैंने कितने चने भरे वो निकालना है। पहले तो मुझे कमेंट करके बताना कि आपने देखा पानी निकला बाहर की नहीं, थोड़ा ही निकला लेकिन निकला था अगर आपने ध्यान से देखा तो, है ना। तो अब क्या करोगे, अब जो 1/4 भाग पानी निकला था उसको आप इन गोलियों की संख्या से भाग दे दोगे, सॉरी एक गोली के आयतन से भाग दे दोगे, फिर टोटल गोलियों की संख्या आ जाएगी। समझ गए ना, ये तरीका। नहीं समझ में आएगा बताना, मैं फिर बता दूंगा। नीचे लिखो कुल गोलियों की संख्या बराबर, लिखो कुल गोलियों की संख्या बराबर, नीचे दिख रहा है ना, कुल गोलियों की संख्या बराबर नंबर ऑफ टोटल लीड्स, क्या हो जाएगा, जो 1/4 भाग का क्षेत्रफल आया था कितना आया था बाबू आपका, 1100/21 ना, 1100/21 इसको भाग दोगे 11/21 से। ठीक है, कोई डाउट नहीं किसी को, नो डाउट। चलो अब ये भाग करना आप बचपन में ही सीखे हो, अगर भाग का चिन्ह है तो पलट के गुणा का चिन्ह हो जाता है, तो बाबू ये क्या हो जाएगा, 1100/21 गुणा 21/1100, नहीं 21/11, क्यों, यहाँ भाग था, जब गुणा का चिन्ह लगेगा तो भिन्न पलट जाएगी, 21 से 21 कट गया, 11 से ये कटा 100 आया, बस आंसर हो गया बराबर। कितना हो गया, 100 गोलियां, कितना हो गया, 100 गोलियां। एनी डाउट किसी को, नहीं ना, ये हो गया आंसर, यानी कुल गोलियों की संख्या कितनी आ गई, 100। इस तरह से आपका क्वेश्चन खत्म हुआ, अगर किसी को कोई डाउट है तो बोलो, नहीं ना लिख लीजिए, जल्दी करिए। साथियों इसी क्वेश्चन के साथ ये क्लास यहीं पे खत्म होती है, अगली क्लास में हम आपको आगे क्वेश्चन करवाएंगे, आइएगा जरूर देखिएगा और क्लास को शेयर करिए, कमेंट करके बताइए। अगर आप 1-1 घंटा पढ़ना चाहते हैं इस तरह से तो आप PVR स्टडी ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करिए, उसमें जा करके देखिए, मजेदार तरीके से सिस्टम से पूरा पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। एक जानकारी बता दें कि 25 तारीख से आपकी सारी क्लासें 9-10 की चैनल नंबर 3 पे चलेंगी, PVR स्टडी 3.0 चैनल पर, तो इसे जा करके आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप इस पर 9th और 10th की क्लास देख पाएं, क्योंकि PVR स्टडी इलाहाबाद चैनल पर 25 जून के बाद क्लास नहीं मिलेंगी, याद रखना।